हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे कॉलेज में ना बसंत पंचमी बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाई जाती है, लाइक बहुत बड़ा कोई फेस्टिवल हो। एंड इन्विटेशन हमें पहले से ही आ जाते हैं, सो हमें पता रहता है कि हाँ हमें बसंत पंचमी में जाना है फेस्टिवल में, मंदिर में। तो हर बार मनाया जाता है, तो हमें लगा कि इस बार भी ज़रूर मनाया तो जाएगा, बट हमें नहीं बुलाया जाएगा ऐसा नहीं पता था। तो बहुत एक्साइटेड थे हम पहले से कि हाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ मेडिकल कॉलेज में गिने चुने साल में बस दो या तीन फेस्ट होते हैं, और उसमें भी हम ना जा पाए तो फिर क्या ही मतलब है। एक तो रैप्सोडी होता है, बसंत पंचमी हो गया, और कुछ गिने चुने एक दो और होते हैं। सो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, हमने तो साड़ी खरीद ली थी, सब कुछ खरीद लिया था। एंड कल शाम को कॉलेज के बाद हमें मैसेज आता है कि आपकी कल कोई छुट्टी नहीं है। हमारे साथ मोए मोए हो गया भाई, हमारी कोई छुट्टी नहीं, क्लिनिकल्स हैं, क्लासेस हैं। अब हमने साड़ी के साथ तो चप्पल और ज्वेलरी सब मैचिंग का ले लिया था, सब मैचिंग कर लिया था। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, सब बिल्कुल मायूस हो गए, उदास हो गए। हमने बहुत कोशिश भी की, एप्लीकेशन लिखा, टीचर से बात की, बट भाई उसका कोई मतलब नहीं हुआ। और फिर रिजल्ट आपके सामने है, मैं तैयार हूँ क्लिनिकल जाने के लिए अभी, बट इतनी जल्दी हम हार थोड़े ना मानने वाले हैं। कोई बात नहीं, क्लिनिकल के बाद हम बसंत पंचमी मनाने जाएंगे, तो चलो अभी चलते हैं क्लिनिकल्स। तो अभी भी हमारी पोस्टिंग ऑटो वार्ड में चल रही है डालीगंज में, जहाँ पे हम ऑटो से जाते हैं। एंड ये रोड पार करने में हमें 5 मिनट लग जाते हैं। सो हम अपने वार्ड पहुँचते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। एंड आज मौसम भी ऐसा है ना कि बारिश हो रही है अभी से, तो फिलहाल हम तैयार हो चुके हैं। अभी बसंत पंचमी है तो सब यहाँ पे येलो ड्रेस ही पहनते हैं। वैसे तो हम 10 बजे पूजा का टाइम था, जो टाइम था वो 10 बजे में बुलाया गया था, बट अभी बज रहे हैं 12:30 और मैं अभी हॉस्टल से निकली हूँ, क्योंकि पहले तो हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग था, वहाँ पे गए, वापस आते आते लेट हो गया। एंड सुबह हमारे हॉस्टल में पानी ख़त्म हो गया था, और ये दुख ना सिर्फ हॉस्टल वाले ही समझ सकते हैं। और जब हम वार्ड से अपने वापस आए तो पानी आ रहा था, तब हमें जाके नहाने को मिला, और फिर जाके हम तैयार हुए। पहला रीज़न तो ये था। सेकेंड ये था कि अपनी तारीफ़ नहीं कर रही बट बता रही हूँ कि मुझे साड़ी पहनानी और पहननी बहुत अच्छे से आती है। सो सबने पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर डाली थी कि मैं सबको साड़ी पहनाऊँगी, तो कम से कम 10 लोगों को मैंने साड़ी पहनाई, एक एक को बिल्कुल अच्छे से साड़ी पहनाई, फिर जाके मैं खुद तैयार हुई हूँ। तो ये एक सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर लोग अपने फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। एंड यहाँ पे 2-3 दिन पहले से डेकोरेशन स्टार्ट हो जाती है, जब हम कल आए थे तो डेकोरेशन चल रही थी। एंड आज कितना सुंदर लग रहा है सब कुछ। अंदर स्लीपर वगैरह कुछ अलाउ नहीं होता है, यहाँ पे निकालना होता है, तो हमने भी अपने स्लीपर्स निकाले। और यहाँ पे इतनी सारे चप्पलें हैं ना कि कोई भी कुछ भी चुरा रहे, किसी को क्या ही पता चलने वाला है। अब भगवान भरोसे हम अपनी चप्पलें छोड़ के जा रहे हैं, वापस आएंगे तो पता नहीं ये मिलेगी भी नहीं, आए पता चले हमें नंगे वो अपने हॉस्टल जाना पड़े। सो अभी हम एंट्री लेते हैं अपने मंदिर के गेट से। एंड यार ये मंदिर वाला एरिया कितना सुंदर सजा हुआ है, मतलब डेली आप देखते होंगे कि सोना सोना रहता है, बट आज के दिन लग रहा है कि पूरा कैंपस ना पूरे पीले रंग से रंग दिया गया हो। हमें हमारी फर्स्ट ईयर की बसंत पंचमी याद आ रही है, जब हम यहाँ पहली बार आए थे हमें कुछ पता नहीं था। एंड यहाँ पे ऐसा था कि जूनियर्स को सूट पहनना था एंड सीनियर्स जो वो साड़ी पहनते हैं, तो अभी हम सीनियर हो गए हैं तो इस बार हमने साड़ी पहनी हुई है एंड हमारे जो जूनियर्स हैं वो सूट पहने हुए हैं। एंड जैसे हम अंदर गए, पूरे बहुत सुंदर सजावट थी पीले रंग से, जो पूरा ग्राउंड था ऐसा लग रहा था पीले रंग के फूलों से भर गया हो। एंड सबने बहुत मेहनत की है डेकोरेशन के लिए। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम इतने एक्साइटेड क्यों थे बसंत पंचमी सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे आए और फिर हम अपने बैचमेट्स को ढूंढने लगे कि वो कहाँ पे हैं। थोड़ी देर बाद ढूंढने के बाद वो हमें खुद ही मिल गए, जो कि सब फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा रहे थे। तो हमारा मेन एक पर्पज़ ये भी होता है कि हमें यहाँ पे तैयार होने को मिलता है और अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने को मिलती हैं। सो ये मेरे बैचमेट्स हैं। एंड ये इमेज ना मेरी एक फ्रेंड ने बनाया है, जो कि मंदिर में चढ़ाने के लिए वहाँ पे बनाया है। सबसे मिलने के बाद अब बारी आती है एक्सप्लोर करने की, तो हमने सोचा कि अब इधर उधर जाके चीज़ों को देखते हैं।
हम सारे बैचमेट्स ने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, बहुत सारी रील्स बनवाई। एंड अब बारी थी मंदिर में जाने की। मंदिर में गए और वहाँ पे पहले से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाइन लगी हुई थी मंदिर में जाने के लिए, तो हम भी वहाँ पे लाइन में लग गए। प्रसाद लेने के लिए इतनी लंबी लाइन था ना कि 5 मिनट बाद हमारा नंबर आया। सो हमने प्रसाद लिया और वापस हम चले गए ग्राउंड में सेलिब्रेट करने के लिए बसंत पंचमी। एंड आज ब्लैक डे था तो उसके लिए भी आज मेंशन किया गया था यहाँ पे। थोड़ी देर बाद देखा तो हर जगह फूलों से होली खेली जा रही थी। यहाँ पे ऐसा ही होता है, जैसे 3:30-4 बजते हैं ना शाम के, वैसे फूलों से होली खेलना शुरू हो जाती है। पहले तो हम खेलते हैं, देन फूलों से रील बनाते हैं एंड बहुत सारी मस्ती की। और अब देखा कि सूरज भी ढल रहा था और हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी में हैं। वैसे तो आज हमारी कोई छुट्टी नहीं थी, बट यहाँ पे आने के बाद पता चला कि हमारा हाफ डे हो गया। मतलब कि क्लिनिकल्स तो आज थी बट आज की क्लासेस सस्पेंड हो गई थी। और हम इतने ज़्यादा अब थक चुके हैं ना कि बस ऐसा लग रहा है कि सोने को मिल जाए। इसके बाद भी बहुत सारे प्लान्स थे, हमने सोचा था यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे घूमने के लिए, फ़ोटोज़ क्लिक करवाएंगे, बट अब कहीं जाने की हिम्मत नहीं बची है। जो भी हो, मज़ा तो बहुत आई। और ऐसा हाल हो जाता है सबका वहाँ से आने के बाद। और मेरे कर्ली बाल है ना, तो उसमें फूल और भी ज़्यादा फंस जाते हैं, अब इनको निकालने में बहुत मेहनत लगने वाली है। और मंदिर में ना बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक था आज कैंपस में, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। एंड अब तो हम इतने थक गए हैं, फाइनली रूम पे पहुँच गए हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही, बाय।